हेलो बच्चों, तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। पहले हम समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। देखो, रेशियो होता है डायरेक्ट कंपैरिजन किसी भी दो क्वांटिटी का, राइट? रेशियो इज दी डायरेक्ट कंपैरिजन। अब बस देखो, डायरेक्ट कंपैरिजन करने में ध्यान क्या रखना पड़ता है कि आप कंपेयर तो कर लो, लेकिन इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, राइट? अगर सेम यूनिट्स नहीं है तो आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से ये आपकी क्लास ए है एंड ये आपकी क्लास बी है। क्लास बी में 23 स्टूडेंट्स हैं, क्लास ए में 23 स्टूडेंट हैं, क्लास बी में 24 स्टूडेंट्स हैं, राइट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, करेक्ट? यानी कंपैरिजन हो सकता है, कोई और वेरिएबल नहीं है, सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बी में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो कंपेयर कर लो। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर इसका साइन लग जाता है, दैट इज गुणन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्टूडेंट इन ए रेशियो बी इज इक्वल टू 23:4। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 23:24। अब ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, ये इनडायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है यहां से, रिलेशन, राइट? मतलब ए और बी में क्या रिलेशन है। अगर मैं बोल लूं, अब यार एक टर्म और आता है ना, मैं सोच रहा हूं कि यहीं पर बता दूं, रेशियो अगर उसको आप डायरेक्टली नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन ही होता है। कंफ्यूज मत करिएगा रेशियो एंड फ्रैक्शन में। रेशियो अगर हम डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट देखें तो फ्रैक्शन ही होता है। मींस वी कैन से ए अपॉन बी दिस इज इक्वल टू 23:24 एंड दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। अगर आप ए को बी के टर्म में देखना चाहो तो आप बता सकते हो 23:24 × b। यानी रेशियो सिर्फ कंपैरिजन नहीं देता है, क्या देता है साथ में, रिलेशन देता है, करेक्ट? और रेशियो को अगर डिफाइन करना हो तो दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर लीजिए डायरेक्ट, राइट? दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज को आप कंपेयर कर लीजिए एंड जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, राइट? लेट्स से क्लास ए में मैंने बोला है, सेम क्लास है, ए में 23 स्टूडेंट्स हैं एंड डिफरेंट दूसरी जो क्लास है दैट इज क्लास बी। अब मैंने यहां बोल दिया है कि यहां का जो टेम्परेचर है दैट इज 25°C, राइट? मैंने आपको दो डाटा दिया, एक दिया कि क्लास ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 23 हैं, दूसरा मैंने डाटा दिया कि जो क्लास बी है उसमें जो टेम्परेचर है 25°C है। अब मैंने बोला कि इनका आप रेशियो बताओ, राइट? बता पाओगे क्या? रेशियो क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन। और अगर आप यूनिट सेम ही नहीं है, ये है नंबर, राइट? और ये है क्या, टेम्परेचर, है ना? कैसे हो सकता है कंपैरिजन? अब मैं थोड़ा सा और अगर डिटेल में बताऊंगा आपको तो बिल्कुल बेसिक से अगर समझे तो नंबर्स क्या है, नंबर क्या है क्लास में, स्टूडेंट्स के नंबर क्या हो सकते हैं इंटीजर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? यही तो हो सकते हैं और वो भी ग्रेटर देन जीरो। नाउ यहां पर वैल्यू सिर्फ क्या रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पर तो ऐसा नहीं है, है ना? टेम्परेचर तो नेगेटिव में भी हो सकता है, मतलब दोनों का यूनिटी सेम है, दोनों का जो प्रोग्रेशन है वही सेम है, और सॉरी डिफरेंट है। और अगर दोनों का प्रोग्रेशन डिफरेंट है तो इनको कंपेरिजन इनका आपस में नहीं हो सकता है, क्लियर है? तो डायरेक्ट कंपेरिजन हमें क्या प्रोवाइड करता है, रेशियो। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपोर्शन। देखो इसे, अब प्रोपोर्शन समझो क्या है। प्रोपोर्शन दो रेशियो के बीच का रिलेशनशिप है, एक मैथमेटिकल टर्म, एक मैथमेटिकल टर्म जो बताता है रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट्स से
क्लास ए एंड मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं क्लास बी का. क्लास ए में 13 बॉयज एंड 26 गर्ल्स हैं, करेक्ट. एंड क्लास बी में 8 बॉयज एंड 16 गर्ल्स हैं, राइट. अगर मैं यहां से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालू तो क्या है, दैट इज 13:26. और यहां पर क्या है, 8:16, करेक्ट. 8:16 मीन्स 1:2 एंड यहां पर भी 1:2. तो अगर अब इन दोनों का रिलेशनशिप देखोगे आप, देन यू कैन से कि ये क्या है, प्रोपोर्शनेट है. मीन्स द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास एंड क्लास ए एंड क्लास बी आर इन प्रोपोर्शन. समझ में आ रहा है, मीन्स दो रेशियो के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें कहां से मिलता है, प्रोपोर्शन से. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो. टाइप्स ऑफ रेशियो, राइट. सबसे पहला होता है डुप्लीकेट. डुप्लीकेट का यहां पर मतलब होता है स्क्वायर. देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, डुप्लीकेट का कहीं पर मतलब ट्वाइस भी होता है, बट इन द केस ऑफ रेशियो क्या होता है, स्क्वायर. फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक रेशियो गिवन है, दैट इज ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, राइट. और आपको बोला जा रहा है कि इसका डुप्लीकेट निकालिए, राइट. सो डुप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज 4:9. सो दैट विल बी 4:9. सो डुप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी विल बी वॉट, 4:9, राइट. द सेकेंड इज सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट. अब सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट होता है आपका स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट, राइट. मतलब वहां पर स्क्वायर था, यहां पर क्या हो गया, स्क्वायर रूट. अगर मैं सेम एग्जांपल ही सारे में लेता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, सब डुप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 2:3. जहां पर आपका स्क्वायर हुआ था वहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट. नंबर 3, ट्रिप्लीकेट. ट्रिप्लीकेट रेशियो. नाउ ट्रिप्लीकेट नाम से ही पता चल रहा है, अगर डुप्लीकेट क्या है, स्क्वायर है, तो ट्रिप्लीकेट को क्या होना चाहिए, ट्रिप्लीकेट को होना चाहिए क्यू. ट्रिप्लीकेट को क्या होना चाहिए, ट्रिप्लीकेट को होना चाहिए क्यू. और अगर ट्रिप्लीकेट को क्यूब होना चाहिए तो ट्रिप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 2:3, दैट इज 8:27. 8:27, राइट. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. द नेक्स्ट इज 4th एंड दैट इज व्हाट, सब ट्रिप्लीकेट. सब ट्रिप्लीकेट. देखो ये बहुत आसान सी चीजें, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं इसमें, राइट. विद द सेम एग्जांपल, द ट्रिप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी है ना, आपने अभी तक सॉल्व कर ही लिया होगा. ट्रिप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी विल बी व्हाट, सॉरी सब ट्रिप्लीकेट ऑफ ए रेशियो बी. अब ये अगर क्यूब है तो ये क्या होगा, क्यू रूट. और अगर ये क्यू रूट होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2:3, राइट. वेरी सिंपल. नाउ फिफ्थ, दैट इज मिक्स और कंपाउंड रेशियो. इसी को हम बोलते हैं मिक्स और कंपाउंड रेशियो. अब यहां पर जो कंपाउंड का मतलब है ना, ये होता है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन
अगर कोई दो रेशियोज आपको दिए हैं एंड आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कंपाउंड रेशियो निकालो, राइट तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई कर दो, राइट लेट्स से फॉर एग्जांपल, इसमें हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि दो रेशियोज वाली बात है। एक रेशियो है ए रेशियो बी एंड अनदर इज सी रेशियो डी एंड बोला जा रहा है कि कंपाउंड रेशियो निकाल दीजिए। कंपाउंड रेशियो निकालना है तो मतलब मल्टीप्लाई करने को बोला जा रहा है, तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन डी, दिस विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी एंड ए सी अपॉन बी डी इज वॉट ए सी रेशियो बी डी, इसी को क्या बोलेंगे ए सी रेशियो बी डी। क्लियर है? सो आई होप टाइप ऑफ रेशियोज आपको क्लियर है, राइट। सो थ्योरी वाला पार्ट इतना ही था, अब जल्दी से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, बस अगर आपको इक्वेलिटी समझ में आती है, राइट और ये समझ में आता है कि कंपैरिजन इनडायरेक्टली क्या बताता है हमें, रिलेशन किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, राइट। आते हैं क्वेश्चंस में, लेट्स से इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू टू रेशियो थ्री, ये गिवन है। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू टू रेशियो थ्री, देन बोला जा रहा है फाइंड फर्स्ट थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड इज गिवन फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट आपको ये वैल्यूज निकालनी है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैंने ये बोला है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन, क्या गिवन है सी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, राइट मैं अभी कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में पढ़ाऊंगा, धीरे 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 जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें मैं नहीं लिखूंगा ताकि आप अपनी स्पीड वहां से बेटर कर पाए, राइट बट अभी बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते जाइए। ए अपॉन बी इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री, ये गिवन है। अब मैंने बताया कि ये सिर्फ रेशियो नहीं है, ये क्या है, रिलेशन है, मतलब ए एंड बी आपस में किसी तरीके से रिलेटेड है, राइट। अगर मैं ए की वैल्यू बी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, टू बाई थ्री बी, और यही आपको यहां पर पुट कर देना है, राइट। ए की वैल्यू बी के फॉर्म में पुट कर दीजिए, थ्री इंटू टू बाई थ्री बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगेन ए स्क्वायर है, सो टू बाई थ्री बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। कोई डाउट है यहां पर, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं क्या आता है, थ्री इंटू फोर बाई नाइन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगेन फोर बाई नाइन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज तो सबसे पहले यहां पर क्लियर है, क्या क्लियर है कि बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अगर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, थ्री इंटू फोर बाई नाइन प्लस वन एंड बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर बाई नाइन प्लस वन एंड बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। आप सबको एलसीएम लेना आता है, दैट इज ट्वेल्व बाई नाइन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर बाई नाइन प्लस वन, दैट वुड बी ट्वेंटी वन अपॉन नाइन डिवाइडेड बाय थर्टीन अपॉन नाइन, सो नाइन नाइन कैंसिल हो गया, दैट इज ट्वेंटी वन अपॉन थर्टीन एंड दैट वुड गिव यू द आंसर ऑफ थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये सिंपली हम कैसे निकाल पाए, हम निकाल पाए क्योंकि हमें ये पता है कि ए और ए रेशियो बी ये सिर्फ रेशियो नहीं है, ये क्या है, ए और बी का आपस में रिलेशन है और हमने उसका यूज किया और यहां पर पुट कर दिया, राइट। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू, राइट।
अब अगेन हमने पहले ही देख लिया है पहले क्वेश्चन में क्या, ए इज इक्वल टू वॉट 2/3 बी, तो डायरेक्टली हमें पुट करना है 5 × 2/3 बी होल स्क्वायर प्लस 3b² डिवाइडेड बाई 2 × ये बी स्क्वायर ही है सो बी स्क्वायर प्लस 2/3 बी होल स्क्वायर, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल टू 5 × 4/9 बी स्क्वायर प्लस 3b² डिवाइडेड बाई 2b² प्लस 4/9 बी स्क्वायर, राइट। अब आपको पहले एलसीएम लेना है या पहले कॉमन लेना है ये आपका ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले कॉमन ले लिया था, यहां पर हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो दैट इज 5 × 4 = 20 बी स्क्वायर प्लस दैट वुड बी 27b² डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 2b² मीन्स 18 बी स्क्वायर प्लस 4b² डिवाइडेड बाई 9 दैट वुड बी 47b² डिवाइडेड बाई 22b² b² कैंसिल, द रेशियो इज 47:22, राइट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको और भी कम टाइम लगेगा, राइट। अभी इसमें आपको हो सकता है कि 15-20 सेकंड 30 सेकंड लग जाए, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये क्वेश्चन 10 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड में आपसे निकलने लगेगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या दिया होता है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 कॉमा बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:9 फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, देखो अगेन मैं रिलेशन वर्ड पे इतना ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि सारा पार्ट वहीं से आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, ए और बी का रिलेशन, यहां पर क्या दिया हुआ है, बी और सी का रिलेशन, राइट। अगर आप इसको थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियो में कोई एग्जांपल लेना चाहते हो तो सपोज आपका ग्रुप है जिसमें आप हो और आपका फ्रेंड है, राइट, और एक दूसरा ग्रुप है जिसमें आपका फ्रेंड है और उसका फ्रेंड है। ओके, अब अगर आप दोनों में कोई रिलेशन है और यहां पर कोई रिलेशन है तो ऑब्वियसली आप दोनों में भी कुछ ना कुछ है ना बातचीत होगी। इसका मतलब कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए बी सी आपस में रिलेटेड होंगे। अब कैसे होंगे, पहले हम डायरेक्ट में सॉरी पहले हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाला मेथड देखेंगे फिर हम ट्रिक वाला मेथड देखेंगे। ओके, सो इफ इट इज गिवन ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, अब जो कॉमन है राइट है जो कॉमन है उसके टर्म में सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी मैं ए को क्या बोल सकता हूं यहां पर 2/3 बी, करेक्ट। सिमिलरली गिवन है b अपॉन c इज इक्वल टू 5/9, तो यहां से अगर मैं c की वैल्यू b के टर्म में निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 9/5 b, राइट, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो c अपॉन b इज इक्वल टू 9/5, सो c इज इक्वल टू 9/5 b। अब आपको सारी वैल्यूज पता चल गई, राइट। अब अगर आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c तो a कितना है 2/3 b रेशियो, बी तो बी ही है और सी क्या है 9/5 की। ओके, अब बिकॉज रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहां से क्लियर है कि एलसीएम इसका कितना है 15, राइट, मतलब हमें 15 15 करना है, कर देते हैं 15। अगर इसको 15 करना है 5 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10/15 बी रेशियो 15b रेशियो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27/15b, अब b b कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 15/15, ओके 15 15 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ गया 10:15:27, राइट। अब ये तो कॉन्सेप्ट वाला मेथड है क्योंकि b कॉमन मिल रहा था हमें तो हमने उसी के टर्म में सारी वैल्यूज
निकाल लिए। ओके, अब देखो ये जो काम हमने यहां पर किया है हम पहले भी कर सकते थे। जब आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कैसे करोगे, देखो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, देन बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:9। ओके, मींस कि यहां पर कॉमन क्या है, बी, और अगर बी कॉमन है और मैं बी को सेम कर दूं, राइट, अगर बी कॉमन है और बी को सेम कर दूं तो हमारी बात बन जाएगी। अब बी को सेम करने के लिए यहां पर बी 5 है, यहां पर 3 है, क्या करना पड़ेगा, 15, इसको 15 करना है तो रेशियो में क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई, तो ये टेक्निकली क्या हो जाएगा, 10:15, इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 15:27। अब देखो ए की जगह 10, बी हमने इसीलिए सेम किया है, राइट, 15, और सी 27, तो एग्जाम में आपको 4-5 सेकंड में ये आंसर मिल जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूं, वो आप प्रैक्टिस करिएगा। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5, कॉमा बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:9, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 13:11, कॉमा बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:3, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, करेक्ट। अब ये मूव करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ओके, अब यहां पर जो काम हम 3 वेरिएबल में कर रहे थे अब हम करेंगे 4 वेरिएबल में, राइट। ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं टाइप थर्ड क्वेश्चन में। ओके, अभी जो काम हम 3 वेरिएबल में कर रहे थे अब हम 4 वेरिएबल में करेंगे। इफ इट इज गिवन ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:3, एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू लेट्स से दैट इज 6:7। ओके, ये गिवन है, एंड इट इज सेट फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, राइट। नाउ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है बिकॉज ये रिलेशन में है, ए किससे रिलेटेड है, बी से, बी सी से, सी डी से, तो ये चारों भी आपस में रिलेटेड होंगे, राइट। तो किसी एक कॉमन टर्म के अराउंड हम सबका रिलेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/2, सो ए इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 बी, राइट। चलो बी के अकॉर्डिंग ही हम सबका रिलेशन निकाल लेते हैं, क्लियर है ना। बी अपॉन सी, बी तो बी रहेगा, बी अपॉन सी इज गिवन 2/3, तो हम क्या बोल सकते हैं, सी इज इक्वल टू 3/2 बी, सी इज इक्वल टू 3/2 बी। नाउ लास्ट इज सी अपॉन डी इज इक्वल टू व्हाट, 6/7, देन व्हाट वी कैन से, डी इज इक्वल टू 7/6 सी, एंड सी इज इक्वल टू क्या है, 3/2 बी, राइट। सो 3×2=6, दैट वुड बी 7/4 बी। अब देखो सारी वैल्यूज बी के टर्म में आ गई। नाउ रेशियो इज ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी बाई टू रेशियो 3/2 बी रेशियो, एंड सॉरी यहां पर ए की वैल्यू लिखी है, उसके बाद बी की वैल्यू लिखनी है, देन सी 3/2 बी, एंड देन 7/4 बी, राइट। अब फिर से सेम, पहले तो बी बी उड़ा दो यार, राइट। अब क्या बचा, एलसीएम ले लो, राइट, हमें बेस सेम करना पड़ेगा। एलसीएम क्या दिख रहा है, 4, राइट, सो दैट इज 2/4 रेशियो 4/4,
रेशियो 6/4, रेशियो 7/4, राइट। 4 4 कैंसिल हो जाएगी, द रेशियो विल बी 2:4:6:7, एंड दैट वुड बी योर आंसर, 2:4:6:7, करेक्ट। ओके, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड जो हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं। अब अगर इसकी कोई ट्रिक मिल जाए हमें, राइट, तो बिल्कुल ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में हम क्या करेंगे, हम डी को अभी छोड़ देते हैं, राइट। हम डी को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और सिर्फ क्या करेंगे, पहले ए बी और सी को देखेंगे, राइट। ए बी सी में मतलब ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है। देखो यहां पर बी कितना है 2, यहां पर भी बी कितना है 2, यानी अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी डायरेक्टली निकालना चाहूं तो दैट वुड बी 1:2:3, दैट वुड बी व्हाट, 1:2:3, करेक्ट। अब यहां पर आ जाओ सी रेशियो डी में, एंड दैट इज व्हाट, 6:7, ओके। अब ट्रिक ये है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, 6 1 6 रेशियो, देन 6 2 12, देन 6 3 18। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें, 21, करेक्ट। अब यहां से आपको दिख रहा है कि 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 2:4:6:7, देखिए 7। सो इसको आप यूज कर सकते हो एज अ ट्रिक एग्जाम में, और ये है आपका कॉन्सेप्ट। हमें पता दोनों ही चीजें होनी चाहिए, राइट। कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं एग्जांपल्स के लिए, अपने आप ट्राई करिएगा। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 10:13, एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 39:7, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ओके, ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है कि इफ इट इज गिवन दैट 2a इज इक्वल टू, सॉरी, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 7c, राइट, ये गिवन होगा आपको। इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 7c, देन आपको बोल देगा फाइंड a रेशियो b रेशियो c, राइट। सिंपल है, मुझे लगता है कि आप कर लोगे, बट मुझे सब तरह के क्वेश्चंस कराने हैं इसलिए मैं ये टाइप भी करा रहा हूं, वरना ये है बहुत इजी। अब आपको पता है कि ये इक्वल है, फिर से रिलेशनशिप वाली बात, अगर ये इक्वल है देन वी कैन से कि ये इक्वल हो सकता है किसी और कांस्टेंट के, हो सकता है 2a की वैल्यू भी k हो, 3b की k हो, तभी तो इक्वल है, राइट। इफ 2a is equal to k, it gives me a is equal to what? K by 2, right? Similarly, if 3b is equal to k, it gives me b is equal to k by 3, and if 7c is equal to k, this gives me c is equal to k by 7. अब बस, अब तो क्या है, सारी वैल्यूज मिल गई है, काम ही खत्म हो गया। अगर काम खत्म हो गया तो ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी इक्वल टू व्हाट, के बाई 2 रेशियो के बाई 3 रेशियो व्हाट, के बाई 7, राइट। के कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो, काम खत्म। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 7 6 42, राइट। अगर इसे 42 करना है तो क्या हो जाएगा, 21/42 रेशियो 14/42 रेशियो क्या हो जाएगा, 6/42, 42 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 21:14
ratio 6, and that would be your answer, right? Practice questions के लिए कुछ क्वेश्चन practice के लिए कुछ questions लिख लीजिए. If 3a is equal to 6b is equal to 9c, 3a is equal to 6b is equal to 9c, ये तो बहुत इजी सही लग रहा है देखने में. Find a ratio b ratio c. Next, if 9a is equal to 5b is equal to 11c, find a ratio b ratio c. Right? Okay, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं. नेक्स्ट क्लास से हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से मॉडरेट लेवल के, राइट? एंड फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे एडवांस तक. तब तक देखते रहिए वीडियो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. थैंक यू, हैप्पी लर्निंग.